सौरभ वेलकम टू योर पीडीएफ। स्टार्ट करते हैं आपका फुल मॉक को ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके सर। ओके सौरभ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। सर माय नेम इज सौरभ यादव। आई एम बिलोंग्स टू अ डिस्ट्रिक्ट बरेली ऑफ उत्तर प्रदेश। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद एंड आई हैव डन माय बीटेक प्रोजेक्ट इन ऑटोमेटिक जनरेटर कंट्रोलिंग एंड माय आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप। कब आपने कंप्लीट किया? सर इन 2016। तो 2016 से अभी आप क्या कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा। हैव यू क्वालिफाइड एनी अदर गवर्नमेंट जॉब फॉर इंटरव्यू? सर राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो JEN का एग्जाम रहता है वो रिटेन क्वालिफाई किया था। फाइनल हो गया उसमें इंटरव्यू है? नहीं उसका सर वो उसका सर मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ था। ओके सौरभ, आपने ये ऑटोमेटिक जनरेटर कंट्रोल की, हाँ ये क्या प्रोजेक्ट था आपका, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर इसमें हमने एक डिजिटल पैनल को डिजाइन किया था। इसके हम विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस जनरेटर को कंट्रोल कर सकते थे लाइक ऑन एंड ऑफ व्हेनेवर द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेन ग्रिड इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो बेसिकली आपने एक स्विच डिजाइन किया जो आपका ऑपरेट करेगा नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज स्विच के ऊपर, ठीक है? व्हेनेवर व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेन सप्लाई is not available, then it's start the generator automatically. Okay. And when electricity goes on, when electricity come again, then ye turn off the generator. Okay. तो मेरे को ये बताइए इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, yes sir, इसका सर्किट आपने कैसे बनाया वो मुझको बना के दिखा दीजिए कि सप्लाई आई, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ, डीजी सेट ऑन हुआ, फिर उसके बाद सप्लाई गई, सप्लाई फिर आ गई है, फिर कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हुआ, डीजी सेट ऑफ हुआ, तो कैसे सर्किट बनाया? ब्लॉक डायग्राम नहीं है ये, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन है। आपने चलिए ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाइए।
सर ये रहा ब्लॉक डायग्राम सर, आई एम विजुअल सर, सर आई एम ऑडिबल टू यू, ऑडिबल है बस अब अभी ठीक है, इसी पोजीशन पर रखिए। ओके चलिए सौरभ, यस सर, ऑयल इंडिया के बारे में क्या जानते हैं आप? सर ऑयल इंडिया, सर ऑयल इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा ऑयल कंपनी इन 1889 टू डेवलप न्यूली डिस्कवर ऑयल फील्ड बिटवीन मोरन एंड नारकाटिया एंड इन 1961 इट बिकम जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा ऑयल कंपनी एंड इन 1981 इट बिकम ए होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस। टुडे ऑयल इंडिया एंगेज्ड इन various business like exploration, development and production of natural oil and natural gas and crude oil and transportation of crude oil and production of LPG and also provide various E&P related service and its exploration its business also spread over the over which over country of USA lab USA, Gabon, Libya, and Sudan. And in recently CIRSIL survey, Oil India adjudged as one of the five best major PSU and one of the three best energy sector PSU. Its authorized share of capital is 2,000 crore and paid up and share of capital is 1,184 crore. The government of India, the promoter of Oil India holds 56.6% share and okay. remaining 40%. Okay. Okay, Saurabh, मेरे को ये LPG, CNG इनका full form बताइए। LPG stand for liquefied petroleum gas. और CNG? CNG compressed natural gas. Compressed natural gas. इन दोनों में क्या difference है CNG और LPG में? Sir CNG को हम compressed form में use करते हैं and while its LPG is used in liquid form. Liquid form में? वो liquid में जो cylinder होता है उसमें liquid में form में होती है gas. Sir, I have no idea about this. Okay. अच्छा, ये किस टाइप की कंपनी है ऑयल इंडिया? डाउनस्ट्रीम है या अपस्ट्रीम? इट्स अ अपस्ट्रीम कंपनी। अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम कंपनी क्या होती है? सर डाउनस्ट्रीम कंपनी ऑयल को एक्चुअली क्रूड ऑयल को रिफाइन करके एंड सप्लायर तक भेजती है उसका ट्रांसपोर्टेशन। एंड अपस्ट्रीम कंपनी सर एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है, क्रूड ऑयल को निकालना एंड उसका प्रोडक्शन करना, डेवलपमेंट करना। ओके अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में हाउ वी डिफाइन द क्रूड ऑयल प्राइस, क्या यूनिट है? Sir, please repeat the question again. In international market, what is the unit of? Sir, barrel. Barrel. Okay. It's defined in barrel per dollar. Barrel per dollar. Yes, sir. Dollar per barrel. Yes, sir. Dollar per barrel. Okay. Barrel hota kya hai basically? Sir, barrel is measuring unit, sir. One barrel equal to 148.958 liter. Okay. अच्छा, या आपने सुना है कि
नेट जीरो टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है? व्हाट सर? नेट जीरो टारगेट ऑफ गवर्नमेंट सर? नेट जीरो टारगेट सर, हम लोग कार्बन के इमिशन को जीरो करना चाहते हैं। कार्बन इमिशन को जीरो? यस सर। ऐसा पॉसिबल है कार्बन इमिशन जीरो? सर बिल्कुल पॉसिबल है, अभी तो पॉसिबल नहीं है सर, लेकिन हम लोग रिन्यूएबल सेक्टर में जोर देके एंड लाइक वेरियस वेरियस इनिशिएटिव ले रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में, एंड क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करके सर अचीव कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि कार्बन, अच्छा मतलब फ्यूल जलेगा ही नहीं कहीं पे? सर जलेगा उसको सर, हम लोग कार्बन को एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देंगे। तो कहाँ ले जाएंगे उसको? सर उसको स्टोर करने की फैसिलिटीज वगैरह डेवलप करेंगे। अच्छा कोई है ऐसी कंट्री जो कार्बन निगेटिव हो? सर भूटान। भूटान? तो कहाँ, वहां पे गाड़ियां नहीं चलती है? सर गाड़ियां चलती है सर, वो लोग अपने फॉरेस्ट को रिजर्व करे हुए हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे ज्यादा फोकस है एंड हाइड्रो सेक्टर वगैरह। हाँ तो उससे क्या हुआ? उससे कोई ऐसा तो हुआ नहीं, कार्बन को ब्लॉक कर दिया उन्होंने? सर एक्चुअली कार्बन निगेटिव टर्म डिफाइंड है कि हम लोग जितना कार्बन को जनरेट कर रहे हैं उससे कार्बन की इमिशन कैपेसिटी लेस है कंजप्शन के कंपेयर में। हाँ तो ऐसे डिफाइन करना है आपको। आप बोल रहे कि कार्बन ही जीरो कर देंगे आप, जीरो तो कभी भी पॉसिबल नहीं। आप सांस लेते हो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना? यस सर। ठीक है चलो सौरभ, आपने वीडियो भी ऑफ कर रखा, ठीक है सर, अब नाउ सर विल टेक टेक्निकल राजू सर। ओके ओके सौरभ। यस सर। सौरभ एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। चलिए सौरभ पहले तो एक बात बताओ, अगर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हो तो। यस सर। अगर मैं बोलूं आईपी नंबर IP54 IP55 ये क्या डिनोट करती है? आईपी सर इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड में। अच्छा गैस के ग्रुप को अगर हम क्लासिफाई करें। यस सर। बताइए गैस के ग्रुप को। हाँ ऑयल इंडस्ट्री में गैस के ग्रुप को किस तरह से क्लासिफाई की जाती है? सब नेचुरल गैस हो गई, एलपीजी एंड सीएनजी। ये तो प्रोडक्ट पर ना। सॉरी सर। एवियो मीटर क्या होता है? एडीओ। एवीओ मीटर बड़ा फेमस नाम है। सॉरी सर। अच्छा ऑयल फील्ड में कौन कौन से केबल यूज करते हैं हम? इसका नाम सुने पीवीसी केबल? यूजीसी। पीवीसी। यस सर। क्या होता है सर? इट स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। XLPE। किसी केबल में फॉल्ट किस तरह से हम करेंगे डिटेक्ट? सर केबल के फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए सर डिफरेंट टाइप केबल होती है, लाइक का नाम बताइए कौन से इक्विपमेंट से? ऑयल फील्ड केबल हो गई, तो इसमें अगर फॉल्ट होता है तो फिर वहां से ऑयल लीक होने लगता है। ठीक है दूसरा मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ।
सर फॉल्ट फॉल्ट को निकालने के लिए कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप यूज करते हैं किसी भी केबल में फॉल्ट निकालने के लिए? सर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से फॉल्ट निकलती है? अच्छा कौन सा? अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन। यस सर। किसी भी मोटर को यस आप कैसे पता करते हैं कि ये अच्छा मोटर या खराब मोटर है? मल्टीमीटर और मेगर की मदद से। सर अगर आपके पास मल्टीमीटर हो मेगर हो तो मोटर का क्या क्या टेस्ट करेंगे फिर पता लगेंगे कि मोटर अच्छा है? सर विद द हेल्प ऑफ मेगर वी यूज इंसुलेशन टेस्ट। अगर इंसुलेशन हाई है सर तो मोटर अच्छा होगा। इंसुलेशन इंडक्टेंस मेजर करते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से नहीं मेगर से सर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस। गुड। ब्रिज मेगर क्या होता है? ब्रिज मीटर सर। ब्रिज मेगर। ब्रिज मेगर सॉरी सर इसका आइडिया नहीं है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। यस सर। कौन कौन से मेथड है सर? कॉम्बेल हैवी साइड और एक हे ब्रिज हो गया और एंडरसन ब्रिज हो गया एंड और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? बीन ब्रिज। और कैपेसिटेंस सर? शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज। ओके अभी आपने बोला था रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। यस सर। एट प्रेजेंट इंडिया में जियोथर्मल पावर कहाँ कहाँ पे मौजूद है? एट प्रेजेंट जियोथर्मल सर अभी अवेलेबल नहीं है सर, लेकिन जम्मू कश्मीर साइड पे जियोथर्मल का ONGC द्वारा एक प्लांट पायलट प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है। जियोथर्मल पावर होता क्या है सर? जियोथर्मल में हम लोग अर्थ की एनर्जी को यूज करके वाटर को कन्वर्ट करके टरबाइन को रोटेट कराते हैं। ओके। अर्थ की एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है सर? हम अर्थ सर इनसाइड अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो हम लोग उस पे स्वेटिंग करके और ऑयल को सर वाटर को फ्लो कराते हैं जिससे वाटर गर्म हो जाता है एंड फिर उसको स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन पे भेजते हैं। अच्छा किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ऑक्सिलरी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड पावर सिस्टम, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? पावर सिस्टम, ऑक्सिलरी सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। पावर सिस्टम सर रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ द सिस्टम। गुड। किस चीज को सप्लाई दे रहा है? ऑक्सिलरी सिस्टम हेल्प टू द डिवाइस। सपोज सर इन मोटर वी यूज्ड ऑक्सिलरी वाइंडिंग टू स्टार्ट द मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम सर मैनेजेस एंड गिव द कमांड टू रेगुलेट द आउटपुट। ओके अच्छा एक चीज बताइए ऑयल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या काम होता है? सर वी प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जैसे कि लाइक सर ऑयल में उनके कुछ पावर प्लांट भी है लाइक एक 20 MW का टर्बो जनरेटर है जो गैस से ऑपरेटेड होता है एंड वेरियस सोलर पावर प्लांट एंड विंड एनर्जी। जनरेटर और अल्टरनेटर में डिफरेंस क्या है? जनरेटर का रेटिंग अभी आपने वाट में बोला पर अल्टरनेटर का रेटिंग इट इज इन VA। स्पेसिफिकली बोलूंगी जनरेटर सर अल्टर जनरेटर कैन जनरेट AC और DC बोथ एंड अल्टरनेटर इज स्पेसिफिक फॉर AC लाइक सिंक्रोनस जनरेटर।
अभी आपने वाट बोला जेंटर में? जी सर, एमबीए रेटिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए। यस सर। इंडक्शन मशीन की वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंडक्शन मशीन सर, मोटर, इंडक्शन मोटर सर, व्हेनेवर वी अप्लाई ए थ्री फेस वाइंडिंग, थ्री फेस सप्लाई विच इज बैलेंस टू थ्री फेस वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द एयर गैप एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड कट्स द रोटर कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, ए वोल्टेज इंड्यूस्ड इन दैट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ रोटर कंडक्टर, ए करंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन इट एंड विट अप्लाई ए फोर्स ऑन द कंडक्टर एंड रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम स्टेटर में बैठे हैं, सेकंड केस में अगर हम रोटर में बैठे हैं, तो अपोजिट यानी कि अगर हम स्टेटर में बैठे हैं तो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी, और अगर हम स्टेटर में बैठे हैं तो अगर हम रोटर में बैठे हैं तो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सर अगर हम रोटर पे, अगर हम स्टेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस रोटर की मैग्नेटिक फील्ड एनसी होगी, एंड रोटर पे अगर बात करें कि रोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड एनएस माइनस एनआर होगी। अजी एक चीज बताइए, जब थ्री फेज सप्लाई आया मेरा, ठीक है, तो दैट इज ऑपरेटिंग विद द स्पीड ऑफ एनएस। यस सर। फिर अगर हम सप्लाई अगर जा ही रही है तो ये एसएनएस और एनएस में डिफरेंस क्यों आया सर? सर ड्यू टू एयर गैप। अच्छा इमेजिनरी पावर क्या होता है? सर रिएक्टिव पावर इज आल्सो कॉल्ड इमेजिनरी पावर। एयर गैप पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। एयर गैप होता क्या है? एयर गैप सर बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वी प्रोवाइड एयर गैप सो रोटर मूव फ्रीली। अगर हम इंडक्शन मोटर में मान लेते हैं मोटर की रेटिंग, मोटर बहुत बड़ा है तो दैट इज ऑपरेटिंग विद 6.6 केवी। यस सर। उस मोटर में अगर हम 450 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो मोटर में क्या क्या चीजें होंगी? सर 6.6 केवी पे 450 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो वन सेकंड सर। इन स्पाइट ऑफ 6.6 और इन प्लेस ऑफ, सर तो उसमें उस केस में सर सर लॉसेस रिड्यूस हो जाएगा सर। क्यों सर? बिकॉज कौन से केस में सर? 450 केस में कोर लॉसेस, बोले कोर लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे सर। व्हाई एयर गैप पावर इज कॉल्ड इज नेम्ड सो, और ये किस किस को डोनेट करती है? एयर गैप पावर इज अ पावर व्हिच इज इक्वल टू द इनपुट पावर ऑफ अ रोटर। स्लिप रिकवरी मेथड कौन कौन से होते हैं? स्लिप रिकवरी मेथड सर वी यूज स्लिप रिकवरी मेथड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडक्शन मशीन, लाइक रोटर इंजेक्शन मेथड, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड एंड रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। One more question. In the power system, yes, sir. Load flow plays an important role. Why it is so?
लोड फ्लो सर, लोड फ्लो प्ले इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज वी हैव फॉर इकोनॉमिक पावर जनरेशन. ओके, व्हाट आर द मेथड टू ऑब्टेन द लोड फ्लो? सर इकोनॉमिक लोड डिस्पैच. इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच इज यूज्ड टू मेजर द लोड फ्लो. Okay, what is Ferranti effect? Ferranti effect, sir, at light loading condition, the receiving end voltage of transmission line is more than the sending end voltage. This effect is called Ferranti effect. अच्छा एक चीज़ बताइए. Yes, sir. लोड फ्लो को और स्टेबिलिटी को अगर हम कंपेयर करें दोनों में क्या रिलेशन निकलता है? सर स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू, इन पॉइंट ऑफ व्यू टू सिंक्रोनिज्म एंड इन कंपेयर टू फॉल्ट. फॉल्ट से रिलेटेड इज स्टेबिलिटी एंड लोड फ्लो इज एक्चुअली रिलेटेड टू पावर फ्लो. ओके लिसन, देखिए कुछ चीजें में काम करने की जरूरत है. जो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे इंटरव्यू, तो उसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके सर, इसमें होता क्या है? ठीक है. अच्छा एक चीज बताइए. यस सर, जब मैंने बोला आपको AIO में AIO होता क्या है, तो देखिए जब AIO जब भी आए. यस सर. मतलब कि एनालॉग इनपुट AI एनालॉग. हाँ ठीक है. यस, या फिर एमीटर. ठीक है, वोल्ट मीटर एंड देन ओम मीटर. AOI ये हाँ ये वही में इस तरह का कुछ होता है. बड़ा ये चीज है और इस टाइप क्वेश्चन आते हैं यानी कि एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर. इन तीनों ये टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं. जब मैंने गैसेस के बारे में बोला तो दैट इज नॉर्मली कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. ओके, कार्बन मोनोक्साइड इज वेरी मच पॉइजनस. इस चीज से हम गैस को कैटेगराइज करते हैं ऑयल इंडस्ट्री में. ठीक है, और ये इंडक्शन मशीन के बारे में एक बार पढ़िए. यस सर, सिंक्रोनस मशीन में क्या है ना कि सिंक्रोनस मशीन लोड फ्लो में अगर कहीं फॉल्ट आया तो वो स्टेबिलिटी को इफेक्ट तो डालेगा ही ना. यस सर. क्या क्या टेक्निक है और भी क्वेश्चन बन सकते थे पर आप पहले इतना प्रिपेयर कीजिए. इंटरव्यू कब आपका? 24. ठीक है, अभी टाइम है, इसको प्रिपेयर कीजिए. और मेरा नंबर है, काइंडली ड्रॉप मी मैसेज इन द व्हाट्सएप, देयर आई विल कॉल यू. ओके सर. ओके सर. ठीक है सर, आपका नेम? राजीव. ठीक है सर, थैंक यू. ओके सर. ओके सर. राजीव. सौरभ. यस सर. देखो जब भी कंपनी के बारे में हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि कब आप क्या जानते हैं कंपनी के बारे में, तो पहले बताना होता है थोड़ी चीजों के बारे में. जैसे आपको बोलना है कि सर ये एक क्या बोलते हैं नवरत्ना कंपनी है और इनिशियली इट वाज विद द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रेंड्स नाउ फाइनली इट इज गवर्नमेंट पीए ऑफ इंडिया पीएसयू. ठीक है ना, ऐसे करके रुक जाना है. ठीक है, फिर अगर वो आगे डिटेल में पूछते हैं तब आपको आगे बताना, क्योंकि आपने एक बार मैंने पूछा तो आप पूरा उसकी कहानी बताने लगे. इससे क्या लग रहा है कि आप पूरा उसको पढ़ के आए, देख के आए पूरा उसका मतलब. ठीक है, वैसे अच्छी चीज है लेकिन आंसर को इतना लंबा नहीं खींचना होता कभी, वो एक डिजायरेबल चीज नहीं होती. ठीक है, थोड़ी सी चीज बतानी है उसके बारे में, मेन चीजें
और फिर रुक जाना, अगर वो डिटेल में आगे पूछते हैं देन यू कैन एक्सप्लेन, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अभी ऑयल के सेक्टर के अलावा और क्या कर रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर सोलर एनर्जी के फील्ड में भी काम कर रही है, विंड एनर्जी के फील्ड में भी काम कर रही है, ठीक है ना, और अदर चीजों के फील्ड में भी काम कर रही है, तो फिर आप उसको, ठीक है। ओके सर। दूसरा आपका क्या बोलते हैं मेन जो कंसर्न है कि 2016 से आप 2020 हो गया है, अब इतने साल हो गए हैं आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इस चीज को बोलेंगे कि सर एक तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ बीच में कोरोना की वजह से भी, और कहीं पे भी मतलब मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया। आई गिवन इंटरव्यू मैनी टाइम्स, ठीक है, इंटरव्यू तो दे सकते हैं, बता सकते हैं कि मैंने कई बार दिए हैं, ठीक है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं अब क्या बोलते हैं अभी भी मैं इस तैयारी ही कर रहा हूँ। उसको झूठ नहीं बोलना, सिंपल जो चीज है उसको बोलेंगे, ठीक है ना। ओके सर। बस साफ क्लियर बोल देना कि अगर, वैसे तो ईयर मत बताना आप अपना, ठीक है ना, वो पूछेंगे तो बताना कि 2016 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया। यस सर। ठीक है ना, ठीक है ना, आप बोल देना कि सर आई आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीटेक आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम एंड क्या बोलते हैं फॉर वेरियस इंटरव्यू बट वो कुड नॉट फाइनली सक्सीड, ठीक है ना, बस इतना बोलना और कुछ नहीं कहना, ठीक है सर। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं ये ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स है, सीएनजी है, एलपीजी है, बैरल है, एथनॉल है, सॉरी नेफ्टा है, एथनॉल है, ठीक है ना, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, और ऑयल सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। वैसे आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, आवाज ठीक है, वो कर रहे हैं बीच में जब आप उसके कंपनी के बारे में बता रहे थे तो बीच में ना आंखें बंद करके मेमोराइज टाइप का कर रहे थे कि कुछ करके, वो नहीं करना, सीधे सामने देखना है, थोड़ी सी चीज बतानी है, फिर आगे पूछते हैं तो आगे एक्सप्लेन करना है। ओके सर, ठीक है ना, जब लंबा आंसर हो जाता है ना तो वो भी सुनता नहीं है, उसको लगता है कि यार ठीक है पता है इसको, बस बैठे रहते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बताना है, फिर अगर वो आगे पूछते थोड़ा पॉज लेके, अगर वो कुछ नहीं पूछते फिर कंटिन्यू रखना, फिर पॉज लेना है, फिर वो रुक जाते हैं तब फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं तब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा पॉज लेना है, पूरा ऐसे कहानी की तरह नहीं पढ़ना। ओके सर, ठीक है, चलिए वैसे ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सर। सर एक चीज पूछना था। हाँ सर, लाइक इंट्रो में अगर केवल नाम अपना बताऊं और कहां से बिलोंग एंड पासिंग ईयर, अगर ये प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन ना करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो प्रोजेक्ट आपका इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी का प्रोजेक्ट है, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो बहुत पॉजिटिव है। वहाँ पे भी डीजी सेट होते हैं, ऑटोमेटिक फेलियर स्टार्टर बोलते हैं इसको, इसका अगर ये डायग्राम ऐसे ना बना के आप कॉन्टेक्ट के थ्रू बना के दिखाएं कि सर जैसे ही सप्लाई जाएगी ये एनओएनसी क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये इसको स्टार्ट करेगा, ये इसको स्टार्ट करेगा, जैसे ही सप्लाई आएगी ये इसको क्लोज करेगा, ये इसको बंद करेगा, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपका प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल यूटिलिटी का है, तो इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर है, ना बताएं, अगर वो पूछते हैं तो बता देंगे, अगर मतलब क्वेश्चन इज दैट कि अगर नहीं बताते हैं तो इंट्रो बहुत शॉर्ट हो जाता है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? दो तीन लाइन नहीं, नहीं नहीं नहीं, इतना कोई ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो अपनी प्रिपरेशन करनी है ना, हमें उनके उससे क्यों करना, हमें जो अपनी अच्छी चीजें हैं वो इंट्रोडक्शन में बतानी है,
सर दूसरा चीज ये जो राजस्थान में हुआ था इसका बता सकते हैं कि फाइनल में नहीं हुआ बट हाँ वी हाँ कैन हाँ नहीं, अब अगर वो पूछते हैं तब बताना है, जैसे आप कब गैप के बारे में पूछने लगे तब बताना, ठीक है ना? ओके ओके वैसे इंट्रो में इसको मर्ज नहीं करना है नहीं कि ऐसे आल्सो ऐसे ऐसे नहीं, क्वालिफाइंग आज नहीं ऐसे मत भी कर। ठीक है सर ठीक है, चलिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।